हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो कहां कहां पर हैं और कौन कौन से कोर्सेज के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो सिर्फ दिल्ली में ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, ये प्रॉस्पेक्टस जामिया की ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल टू में आपके कोर्सेज गिवन हैं। तो दोस्तों, इन कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो कैलिकट, लखनऊ, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, श्रीनगर और कोलकाता में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एमए सोशल वर्क की, एमएससी बायो साइंस की, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, एमएससी केमिस्ट्री वगैरह की, और इसके अलावा एमबीए की बात करें या फिर इंग्लिश ऑनर्स एमए की बात करें हम, या फिर एमए एचआरएम की बात करें, एमकॉम की बात करें, तो दोस्तों इन सभी कोर्सेज के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो यहाँ पर जो सिटीज़ अवेलेबल हैं कैलिकट, लखनऊ, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर और कोलकाता, तो यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम इसके कंडक्ट होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो और एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे आप नीचे करके और भी एग्ज़ाम्स टेबल टू वाले ऑप्शन आपको गिवन होंगे तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा जो और एग्ज़ाम्स हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ दिल्ली में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल रिमेनिंग एंट्रेंस टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली मेनली एट जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस, यानी JMI का जो कैंपस है वहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अलावा जो और अदर कोर्सेज जामिया में अवेलेबल हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु पोसेस अ वैलिड एडमिट कार्ड अफिक्स विद सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ एंड विद वैलिड आईडी कार्ड शुड बी परमिटेड टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट, यानी एडमिट कार्ड वगैरह और जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ होती है वो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की जो फीस है वो यहाँ पर गिवन है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन मे ओनली बी सबमिटेड ऑनलाइन एट JMI वेबसाइट, देर इज़ नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, यानी जो फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही है। दोस्तों इसके अलावा जो फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एज प्रिस्क्राइब बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स आपके वगैरह हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन का जो रिसर्च सेंटर है या फिर सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है जिसमें आपका MBA वगैरह कोर्सेज होंगे, इसके अलावा सेंटर ऑफ फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन साइंस है, या फिर फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चुरल और एकेस्टिक्स है, और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जिसमें BLED, DED वगैरह कोर्सेज आ गए, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग वाले जिसमें डिप्लोमा वाले कोर्सेज आ गए, फैकल्टी ऑफ डेंसिटी और फैकल्टी ऑफ लॉ। दोस्तों इन सभी फैकल्टी और सेंटर्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 700 रुपये की। इसके अलावा दोस्तों जो ऑल अदर सेंटर्स हैं, इन जो ऊपर जो कोर्सेज लिखे हुए हैं इनके अलावा जो ऑल अदर फैकल्टी या फिर कहें सेंटर्स हैं तो उनकी फ़ीस रहने वाली है 550 रुपये। बाकी BTEC और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की भी फ़ीस जो है वो भी 550 रुपये आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी में भी पेड इधर बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप फ़ी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी वंस रिसीव्ड सक्सेसफुली एट JMI एंड्स इज नॉन रिफंडेबल एंड नो कॉरस्पॉन्डेंस ऑन दिस सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन। JMI शॉल ओनली रिफंड एप्लीकेशन फी इन केस ऑफ फेल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड एडिट एंड्स। मतलब दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको नॉन रिफंडेबल रहती है, लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है और आपकी फ़ीस कट जाती है और आपके पेमेंट स्टेटस में जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सक्सेसफुल नहीं दिखाता तो ही उसी केस में आपको जो JMI की फ़ीस है वो रिफ़ंड करी जाती है। बाकी अदरवाइज़ अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन है तो आप अपनी फ़ीस इसमें रिफ़ंड नहीं करवा सकते। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर दोस्तों कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।